नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जो व्यूअर्स नहीं हो, सब्सक्राइबर्स ना है, वो भी खुश रहें। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कलयुग के कोई हाजिर हुजूर देव हैं तो वो है हनुमान जी। भगवान श्री राम ने जब सरयू नदी में समाधि ली थी, उस समय उन्होंने हनुमान जी को ये कार्य सौंपा था कि जहां पर भी मेरी कथा होती है, जो भी निसहाय है, जो भी मुझे सहायता के लिए पुकारता है, उन सब की मदद तुम्हें करनी है और तुम्हें इसी पृथ्वी पर रहना है। और आप सब जानते हैं आज की तारीख में भी कितने ही जगह ये किस्से बन रहे हैं कि जहाँ रामायण का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी वानर स्वरूप में आए हैं और उन्होंने आकर के प्रसाद ग्रहण किया है। जहाँ पर भी रामायण का पाठ होता है, सबसे पहले आसनी हनुमान जी की लगाई जाती है और उनका आवाहन करके उन्हें बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। तो दोस्तों, कलयुग में जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हो, जब भी आपको किसी चीज की गहरी नीड होती है, आप हनुमान जी को यदि याद करते हो तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। आज आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन सुबह उठते के साथ करना है। जो लोग सुबह उठते के साथ ना कर सके, भूल जाए किसी कारणवश, वे लोग नहाते समय भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय में आपको कोई विधि विधान नहीं करनी है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। सिर्फ आपको जो शब्द मैं बता रही हूँ, इस शब्द को 9 बार बोलना है। 9 का मूलांक दोस्तों हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, 9 का मूलांक मंगल देव से जुड़ा हुआ है और मंगलवार का दिन है, तो ये शब्द आपको 9 बार बोलना है। इसको 9 बार बोलने मात्र से आपका कितने ही दिनों का रुका हुआ काम तुरंत होगा। जो लोग हमेशा आलस में रहते हैं, उनकी आलस दूर हो जाएगी। जो लोग कुछ ऐसे कंफ्यूजन में फंसे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं, काफी हमारे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि मैडम मैं काम करूं या नहीं करूं, तो जब आप ऐसी असमंजसता में फंसे हुए हैं, आप इन शब्दों को बोलेंगे, आपको रास्ता मिलेगा। जो लोग तकलीफ में हैं, जिन्हें रास्ते नहीं सूझ रहे हैं, जो लोग शत्रुओं से घिरे हुए हैं, वे लोग भी इस उपाय को करें। हनुमान जी की कृपा से आपको हर कदम कदम पर मदद मिलेगी, आपको जो आप खोज रहे हैं वो चीज मिलेगी, जो आपका रुका हुआ काम है वो काम होगा, चाहे वो काम पैसों से संबंधित हो, शादी ब्याह से संबंधित हो, नौकरी धंधे से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, ठीक है। और जो लोग मंगल प्रदान है, जैसे कि जो लोग मेष राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, जिनका नाम अ, ल और ई अक्षर से शुरू हो रहा है, जिनका नाम न और य अक्षर से शुरू हो रहा है, उनके लिए तो ये जो चुटके बजा करके काम कर देने वाली चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के राशि के जो जातक है वे ना करें, सभी को ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और यदि दोस्तों उपाय को सुनने के बाद मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज लाइक अवश्य ही करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आपको मिल सके। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम से कनेक्टेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वो वीडियो भी आपको आसानी से मिलती रहे। दूसरा दोस्तों, चैनल को वीडियो को शेयर करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहां किसका भला हो जाए, पुण्य का काम है, जरूर करें। दोस्तों, आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठते हैं, हथेली दर्शन कर लेने के बाद, पृथ्वी को नमन कर लेने के बाद, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको
आपको अपना ये अंगूठा और ये उंगली, इन दोनों को मिलाना है। ऐसे आपको ध्यान करना है, ऐसे करके आपको बैठ जाना है। बैठ करके आपको 9 बार बोलना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट वो ही हमार। ये शब्द दोस्तों बहुत पावरफुल है। जिन्होंने इस शब्द को सिद्ध कर लिया है उनके तमाम काम हुए हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, उसमें मैंने इन शब्दों की महिमा बताई थी और काफी लोगों को उससे बहुत फायदा हुआ। तो ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह सुबह करें, 9 बार आप इसको बोलते हैं, ठीक है। जो लोग सुबह उठते के साथ बोलना भूल जाते हैं, वे लोग जब स्नान करने के लिए जाते हैं उस समय स्नान करने के पश्चात थोड़ा सा जल ले लें, बिल्कुल स्वच्छ जल, और इस इन शब्दों को 9 बार बोलें और 9 बार पानी में फूंक मारें और उसको पी लें। ऐसा करने से भी आपको पूरे दिन का, पूरे दिन के लिए आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, आपका दिमाग रिचार्ज हो जाएगा और आपको हनुमान जी के ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे सफलता के लिए। तो छोटा सा उपाय है दोस्तों, मंगलवार के दिन सुबह सुबह आपको कर लेना है, ठीक है। करके देखें, बहुत बढ़िया उपाय है कर लेने के लायक है। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।